नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर होम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। और जो रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उनको ये बात पता होगी कि 621 क्वेश्चन नंबर तक हमने इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिया है, और आज से जो है 622 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं इन चैप्टर्स में, जो प्रमुख संविधान संशोधन है या जो जजमेंट्स आए हैं या फिर विवाद कह लीजिए जो चैप्टर के उसमें लिखा हुआ है थंबनेल में, है ना, तो उनमें जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, जो सवाल जिनसे बनते हैं, है ना, वो हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, 621 तक कवर हो गया है अपना, 622 नंबर से शुरू कर रहे हैं। और ये उम्मीद कर रहा हूं मैं कि जो पिछले डिस्कस हुए हैं वो कुछ ना कुछ आपने जो जो आपको पहले से पता नहीं होंगे वो कम से कम आपने नोट कर रखे होंगे ताकि रिवाइज कर सकें। ठीक है, और कुछ ऐसे आज भी मिलेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है अपना 622 नंबर, दल बदल विरोधी कानून की संवैधानिकता को सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में सही ठहराया गया था। देखिए, एक की हो तो होलोहन बनाम जा चिल्लू मामला था, कि हो तो होलोहन बनाम जा चिल्लू, नाम थोड़ा अजीब है लेकिन दो तीन बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या था, ये 1992 में, रुकिए, ये 1992 में जो इसका जजमेंट आया था, इसमें बेसिकली क्या बोला गया था, इसमें ये बोला गया था कि अध्यक्ष या सभापति जब ये दल बदल विरोधी कानून के तहत जो निर्णय देते हैं, है ना, अंतिम निर्णय के समय में और जो स्टार्ट हो रहा है उसके बीच में जो भी कार्यवाही हो रही है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है, ये चीज में निकल करके आया था। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया, दल ये की हो तो होलोहन बनाम जाय चिल्लू केस के संबंधित है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। क्लियर, चलिए अगला देखिए, अनुच्छेद 31A 31B को किसके द्वारा, यहाँ डैश होना चाहिए था, भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, ये जो है कल भी क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, पहला संविधान संशोधन। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि पहला संविधान संशोधन आखिरी आखिरकार मतलब मेनली किस तरह किस वजह से इनिशिएट किया गया था, या किस, अच्छा एक क्वेश्चन और आएगा कि किस वाद में, किस वाद के कारण जो है पहला संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, देखिए, पहला संविधान संशोधन के तहत ही आपका 15 क्लॉज जो 4 है ना, जो सामाजिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करने वाली बात है, प्रयास करने वाली बात है, उसमें वो किसमें है, 15 क्लॉज 4 में, यही ऐड किया गया था, क्लॉज 4 ऐड किया गया था उसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 624 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले, किस मतलब कि किसके मामले में सार्वजनिक न्यास सिद्धांत को लागू किया था। अब यहां पहले समझने वाली बात है, सार्वजनिक न्यास सिद्धांत क्या होता है। सार्वजनिक न्यास सिद्धांत का मतलब ये था, सिंपली सिंपल भाषा में समझा जाए तो, आसान भाषा में इसका सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि देखिए भाई साहब, जो जल है, वन है, समुद्र है, हवा है, इस पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं हो सकता। ठीक है, ये सार्वजनिक उपयोग हेतु चीजें बनी हुई हैं, तो इस पर जो व्यक्तिगत अधिकार, अगर आप राज्य या कोई और अन्य संस्था अगर किसी को व्यक्तिगत अधिकार देती है या स्वामित्व तो देती है, तो ये मतलब उचित नहीं है। ठीक है, तो ये इस सिद्धांत का अर्थ है। अब ये किस मामले में आया था, तो ये आया था एमसी मेहता बनाम कमलनाथ मामले में, किसमें आया था, एमसी मेहता बनाम या वर्सेस लिख लीजिए कमलनाथ। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए 2021 का है, देख लीजिए, यूपीएसआई 2021 में Shift 2 में पूछा गया था ये सवाल। अगला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था। ये 1992 में लागू हुआ था, 1 फरवरी 1992 को। ठीक है, 91 में ये अधिनियम आया था, है ना, लागू हुआ था 1 फरवरी 1992 को। ठीक है, चलिए, आपने 239 AA अभी जब मामला चर्चा में चल रहा था दिल्ली का, है ना, उसकी शक्ति से लेकर के, या राज्यपाल का जो एक तरह से वर्चस्व बढ़ रहा था जजमेंट के माध्यम से, या फिर जो भी हस्तक्षेप हो रहा था, तो आपने इस आर्टिकल का हस्तक्षेप चर्चा सुना होगा, है ना, तो ये और करंट का मामला एक बन के करंट के कंटेक्स्ट में भी चीजें स्टैटिक लेकर के पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखिए, 626 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। ये सवाल इस समय उत्तर देने के लिए आपके पास ज्ञान पर्याप्त है, क्यों, अगर आपने पहले इसका क्लास का किया है तो, जस्ट पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया है इसको, है ना, और मौलिक अधिकार भी डिस्कस किया था, तो बताइए आंसर क्या है। बिल्कुल सही, क्या है, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां, अच्छा ये हुआ कब था, सन 2002 में, ध्यान रहेगा इतना। अब देखिए, आप चीज समझ लीजिए क्या क्या परिवर्तन किया गया था। देखिए, जो अनुच्छेद 45 में जो भाषा थी,
छह से चौदह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा राज्य सरकार, उसको क्या किया गया, उसको उठा करके 21 ए में डाल करके क्या कर दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 21 ए में लगा करके उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। अच्छा तो अनुच्छेद 45 में क्या हो गया, यहाँ पर उम्र का भी ध्यान रखिएगा, जब मैं उम्र बोल रहा हूँ कई बार भाषा में वो चीजें चेंज करके आंसर गलत हो जाएगा अगर पूछ लिया तो। 21 ए में है 6 से 14, 45 में क्या है 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का जो प्रारंभावस्था है या प्रारंभिक अवस्था है उसका देखभाल कौन करेगा, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, ठीक। और एक आपका 11वां मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है, क्या है 11वां मौलिक कर्तव्य। अभी 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या जोड़ा गया है, इसमें किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा है वो क्या है अभिभावक की जिम्मेदारी है, मौलिक कर्तव्य है उनका, ठीक। ध्यान देगा तीन चीजें बदलाव की गई थी 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए 44वां जो ऑप्शन में दे रखा है, क्लियर ही है आपको, है ना। चलिए 73वां बिल्कुल सही, पंचायती राज व्यवस्था। अच्छा 44वां हुआ कब था, 44वां हुआ था 1978 में, 73वां कब हुआ था 1992 में, लागू कब हुआ था 24 अप्रैल 1993, ठीक है। और 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था ये 1 जून 1993, आज इसका क्वेश्चन आएगा। ये 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो लागू हुआ था 1 जून 1993 को, और जो 73वां लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। चलिए अगला देखिए, ये तो क्लियर है ना, जून पहले आता है अप्रैल पहले आता है, हाँ। चलिए 627 नंबर देखिए, देखिए आ गया वही क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था 1 जून 1993। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 628 नंबर, लगभग हर कितने कितने वर्ष, कितने वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से एससी व एसटी का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन इतने वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। किसकी बात चल रही है, हर 10 वर्ष में 10 वर्षों के लिए इनके आरक्षण का प्रावधान बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इस सवाल से एक प्रश्न और बनता है क्या, कि 104वां मतलब 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके द्वारा क्या किया गया, एंग्लो इंडियन के जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई है, ठीक। चलिए ध्यान रहेगा इतना, ओके अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और रहेगा आपके लिए, आप भूला वाला सीन मत क्रिएट करिएगा। क्या सवाल है कि जो मंत्रिपरिषद की जो संख्या है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से सीमित की गई थी, कि 15% जो है कुल संख्या का 15% जो है सिर्फ मंत्रिपरिषद की संख्या होगी, वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। चलिए बताइए क्वेश्चन अगला देखिए 629 नंबर, संसद के किसी भी अधिनियम को लागू कानून की मान्यता नहीं दी सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना, क्या मूलभूत ढांचा कह लीजिए या मौलिक संरचना कह लीजिए, का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी, सिंपल सी बात, केशवानंद भारती केस कब हुआ था 1973 में, यहाँ पर मेनका गांधी केस है, मेनका गांधी केस में क्या हुआ था, इसमें जो है आर्टिकल 21 को और विस्तारित रूप से है ना विधि की सम्यक प्रक्रिया के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया था, मतलब व्याख्यायित किया गया था, ठीक है। इसमें सिर्फ ये नहीं बोला गया था कि जीवन जीने का अधिकार है, गौरवपूर्ण है ना, गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ध्यान रहेगा इतना। इसी में गोल्डन ट्रायंगल का एक शब्द इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि गोल्डन ट्रायंगल यानी आर्टिकल 14, 19 और 21 को साथ में मिलाकर ही आपको पढ़ना है, तभी एक तरह से जो प्राकृतिक न्याय है वो सुनिश्चित हो पाएगा, ठीक। तो गोल्डन ट्रायंगल अगर शब्द आता है कि किन किन अनुच्छेदों से संबंधित है तो आपको ध्यान होना चाहिए आर्टिकल 14, 19 और 21, ठीक। किस जजमेंट, किस केस में ये शब्द आया था, तो ये जो शब्द आया था ये आपका आया था इसमें मेनका गांधी केस में, ये केस कब हुआ था 1978 में, ध्यान रखा इतना। चलिए ये कॉमन कॉज वाले में इसमें पिटिशनर जो थे वो जो मृत्यु की वो बोले थे, मतलब जैसे जीवन जीने का अधिकार है गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ऐसे ही गौरवपूर्ण मृत्यु का भी अधिकार दिया जाए, ये केस था इसमें। चलिए तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था कि जब तक संसद के पास व्यापक अधिकार, जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो ये 7:6 में जजमेंट आया था, 7 जो जजेस थे वो उसके फेवर में थे, 6 इसके फेवर में नहीं थे, तो बहुमत से इसका जजमेंट आया था, ठीक है। और अभी तक की सबसे बड़ी पीठ बैठी थी इसमें, 13 जजों की पीठ बैठी थी। चलिए 631 नंबर, संविधान को वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह हटा दिया गया है, भाग 7 को, इसमें जो भाग बी के जो राज्य थे है ना
भाग बी के जो राज्य थे वो शामिल थे इसमें, तो उसको हटा दिया गया यहाँ से, अनुच्छेद 238 वाला। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। संसद अपने संशोधन शक्तियों का उपयोग करके संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेर फेर करने के लिए नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती केस की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा मामला उपरोक्त कथन से संबंधित है, अभी डिस्कस किया हमने, केशवानंद भारती केस। ठीक है, अच्छा विशाखा जो इसमें आपका विशाखा बनाम राजस्थान राज्य है ना, ये कब हुआ था विशाखा वाला? विशाखा गाइडलाइंस भी पढ़ते होंगे ना, जिन्होंने थोड़ा पॉलिटी पहले पढ़ा होगा उन्होंने विशाखा गाइडलाइंस भी पढ़ी होगी। वो कब आया था? 1997 में। कब आया था? 1997 में। कार्य स्थल पर जो यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए इसको, मतलब कि जजमेंट का जो कंक्लूजन था वो कार्य स्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए आया था। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए अगला देखिए। चंपकम दोराय राजन जो केस है ये भी आगे इंपॉर्टेंट आएगा, ध्यान रखिएगा इसको। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? किसमें? दसवीं अनुसूची में। ठीक है, नौवीं में क्या है जो भूमि सुधार कानूनों को डाला गया है वो है सारी चीजें। बारहवीं में क्या है? नगर पंचायत, जो नगर पालिका वाली व्यवस्था है ना, जो उन संस्थाओं को, शहरी संस्थाओं को है ना, जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो बारहवीं अनुसूची में, जो संविधान संशोधन लाया गया था उसको बारहवीं अनुसूची में रख दिया गया है। ठीक, सातवीं अनुसूची याद ही है आपको, तीन विषय संघ, अब तो याद होना चाहिए, हर दो से तीसरे क्लास में डिस्कस कर रहे हैं इसको। संघ राज्य समवर्ती, संघ में 100 विषय, राज्य में 61 और समवर्ती में 52, ध्यान रहेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 634 नंबर। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान किए गए? कब हुआ? 1951 में। अभी डिस्कस किया था इसके पहले, 31 से 31 भी किसके तहत आया था? पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। कब हुआ? 1951। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया? नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। नौवीं अनुसूची किससे जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। दसवां, बावनवा संविधान संशोधन 1985, ध्यान रहेगा। फिर ये बारहवीं याद है आपको, 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए सातवीं तो पहले से थी है ना। 636 नंबर। भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र क्या है? इस सवाल का जवाब देने से पहले आप ये बताएंगे इसके पहले क्या था? 21 वर्ष था। किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रवर्तित किया गया? बिल्कुल सही, 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में इसको क्या कर दिया गया? परिवर्तित करके 18 साल कर दिया गया। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को कहां कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला, केवल लोकसभा में? नहीं भाई साहब, पहले राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। नहीं, धन विधेयक थोड़ी ना है। चलिए, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। संविधान संशोधन एक ऐसा प्रस्ताव है जिसको दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य है। अगर एक भी सदन से अगर रुक जाता है तो रद्द मान लिया जाएगा। ठीक है, दोनों सदनों को बराबर अधिकार है इसमें, संविधान संशोधन के मामले में। और इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, इसी ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए बताइए, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत होता है? संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये हमने डिस्कस किया है पहले से, संसद वाले पार्ट में डिस्कस किया था। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत, इसकी अध्यक्षता कौन करता है यही बताइए, अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की? ठीक है, दो क्वेश्चन आप बताइएगा, तीसरा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 638 नंबर। मूल भारतीय संविधान का सातवां अध्याय जिसे 1956 में संशोधित किया गया था वह किस विषय में था? वो किसमें था? भाग बी के राज्यों में। हमने बताया ना अभी, जो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है वो कौन सा भाग है? भाग सात। ठीक, अब वो कौन किससे संबंधित था? भाग बी के राज्यों से। ठीक है, चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा या से इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले के बारे में सही है? अब देखिए, इसमें तीनों चीजें सही है। पहला क्या पॉइंट, आरक्षण किसी भी तरह से मानदंड से 50% से अधिक नहीं होना हुआ। हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ईडब्ल्यूएस वाला मामला किया था उसको वैधानिक रूप से वैधानिक घोषित किया है, ईडब्ल्यूएस के मामले को। ठीक है, चलिए, आरक्षण किसी भी तरह से मानदंड के 50% से अधिक नहीं होगा। आरक्षण नीतियों के दौरान नवोन्त वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा, यही बात सही है। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा? पी क्यू आर तीनों सही है स्टेटमेंट। चलिए 640 नंबर आइए। संविधान में 42वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था?
क्या हो गया सवाल, क्या था 640 नंबर, संविधान में 42वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? क्या जैल सिंह थे, क्या नीलम सजीव रेड्डी थे? अच्छा नीलम सजीव रेड्डी वाला फैक्ट याद है आपको कि निर्विरोध चुने गए थे, और ये यही वो पहले व्यक्ति हैं जो सत्ता दल के होने के बावजूद राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे, ठीक है, और उसके बाद क्या है निर्विरोध रूप से चुने गए थे। चलिए फखरुद्दीन अली अहमद, देखिए जो 42वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय थे वो फखरुद्दीन अली अहमद ही थे, ठीक है, और वीवी गिरी है ना, वीवी गिरी नीलम सजीव रेड्डी अच्छी कहानी है, कभी और डिस्कस किया जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ? भाई चंपकम दोराई राजन बना मद्रास राज्य, भाई जो 15 क्लॉज 4 था ना जो जोड़ा गया था, ठीक है, उसी संबंधित था। चलिए चंपकम दोराई राजन बना मद्रास राज्य। गोलकनाथ वाला कब हुआ था? 1967, ध्यान रहेगा ना। केशवानंद भारती 1973। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 642 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? कितनी है? तीन पद्धतियां हैं, तीन। कौन कौन सी? पहला साधारण बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से। दूसरा विशेष बहुमत से। तीसरा विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति, विशेष प्लस राज्यों की स्वीकृति, ठीक है। अब इसमें देखिए साधारण बहुमत से क्या क्या पारित हो जाता है। साधारण बहुमत से जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है ना, और अनुसूचित जातियों का क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों जनजातियों का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाना घटाना है, ठीक है, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, जैसे उत्तराखंड बन गया है ना, आंध्र से तेलंगाना बन गया है ना, इस तरह चीजें करनी है, बिहार झारखंड बन गया, ठीक है, एमपी छत्तीसगढ़ बन गया, ये सब चीजें क्लास, इन सब चीजों के लिए क्या है साधारण बहुमत पर्याप्त है, ठीक। अब विशेष बहुमत क्या है? जैसे संविधान संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए अब विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति बदलनी है आपको, है ना, ऐसा कोई परिवर्तन है जिसमें राज्यों का हित शामिल है ना, तो उन सब चीजों में क्या है राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है संसद में वो परिवर्तित करना है तो उसमें राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है, तो तीसरे प्रकार का वो हो जाएगा, मतलब पद्धति हो जाएगी तीसरे प्रकार की। तीन क्लियर हो गई, साधारण विशेष और विशेष राज्यों, विशेष प्लस राज्यों की अनुमति, ठीक है, सहमति। चलिए अगला देखिए, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई? मतलब कहानी हालांकि विकास द्विकृति सर ने अच्छे से डिस्कस किया है एक वीडियो में, इमरजेंसी नाम की वीडियो है, उनके चैनल में जाएंगे दृष्टि आएगी तो वहां मिल जाएगा, या सर्च करेंगे सीधे सिंपल कि इमरजेंसी वीडियो भाई विकास द्विकृति सर तभी मिल जाएगा, बहुत अच्छे से डिस्कस किया उसमें सर ने। लेकिन यहाँ समस्या देखिए रिलेट कर देते हैं, समस्या कुछ नहीं है इसमें। देखिए जब इनका मामला चल रहा था इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था है ना, उसमें क्या है कि हाईकोर्ट जजमेंट देने वाला था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा था उनका, उनका जो चुनाव हुआ है जो निर्वाचन हुआ है वो गलत पद्धति से हुआ, गलत तरीके से हुआ है ना, तो उसमें जजमेंट आने वाला था और इनका निर्वाचन रद्द किया जाने वाला था, ठीक है, तो प्रधानमंत्री पद से हट जाती, शक्ति चली जाती, सत्ता चली जाती, और वो केस किसने किया था, वो राजनारायण जी ने किया था है ना, तो उस समय उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण, ठीक है, ये केस चल रहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, मतलब अब यही केस था कि नहीं था छोड़िए उस चीज को, लेकिन इसी इन्हीं यही थे इन्होंने केस किया था, उस केस के कारण जो जजमेंट आने वाला था उससे सत्ता जाने वाली थी इंदिरा गांधी जी की, इस कारण माना जाता है कि इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, बी उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण जी, ठीक है। चलिए संविधान संशोधन के लिए आवश्यक है क्या? पहला संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत, बिल्कुल सही बात है, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले दो सदस्यों का 2/3 बहुमत, दोनों चीजें आवश्यक है। देखिए सी ऑप्शन में क्या ले रखा है, ए और बी दोनों, तो क्या हो जाएगा सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया, कल डिस्कस किया था हमने, किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ध्यान रहेगा इतना। चलिए कब हुआ था, 1976 में। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां तक हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर अपना महत्वपूर्ण आयोग, ठीक है, अब हम लोग समाप्ति की ओर है, बस पेशेंस और निरंतरता बनाए रखिए है ना, चीजें और बहुत बेहतर होंगी, और जितना हमने पॉलिटी में डिस्कस किया है मुझे लगता है इससे बाहर जाएगा, और जाएगा तो सबके लिए जाएगा, ठीक, फिर आप ही हाथ खड़ा कर देना, पूरी क्लास आपके साथ हाथ खड़ा करने के लिए तैयार रहेगी, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो छोड़ने वाले प्रश्न रहेंगे, अगर इससे बाहर जाते हैं तो छोड़ने वाले प्रश्न है, परेशान नहीं होना है, जितना हमने डिस्कस किया है बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, चीजें कवर हो जाएंगी, इससे बाहर नहीं जाएंगी आपकी, ठीक है। किसी भी एग्जाम का तोड़ क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो चीजें हो सकती हैं एक्स्ट्रा वो भी डिस्कस कर ले रहे हैं, अब क्या बचेगा, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है, ठीक है, तो
इतना हो गया अपना भारतीय संविधान संशोधन और महत्वपूर्ण जो विवाद थे वो क्लियर, मतलब इतने कवर हो गए अपने। इसके बाद क्या है नेक्स्ट चैप्टर, महत्वपूर्ण आयोग, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।